नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार है और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बैंकिंग अवेयरनेस का लेक्चर नंबर 6। दोस्तों, हो सकता है वीडियो की क्वालिटी 15-20 सेकंड तक क्लियर ना हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने कंप्रेशन यूज़ किया है, इसलिए आप वीडियो को एग्जिट ना करें, वीडियो को पूरा देखें। आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे जो अभी तक हम लोग लेक्चर ले चुके हैं, और ऐसा नहीं है कि बस मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर बता दूंगा। इसमें जो हम अभी तक हमने 5 लेक्चर में जो भी पढ़ा है वो सब रिपीट भी होगा। मैं आपको वो पॉइंट्स बोलूंगा जिससे कि आपको वो याद हो जाएंगे एकदम। एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं और काफ़ी हैं, 50 क्वेश्चंस, 50-60 क्वेश्चंस लूंगा मैं, और आप देखेंगे किसी न किसी एग्जाम जो भी आपने अपियर किया होगा उसमें कभी ना कभी आपने क्वेश्चंस देखे ही होंगे। इसलिए आप वीडियो को एग्जिट बिल्कुल भी मत कीजिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। और दोस्तों, चलिए अब हम सीधे आप आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगा, जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ बॉटम राइट पे उनको जो है नीचे सब्सक्राइब बटन दिखेगा, तो उसको आप क्लिक कर दें। अगर आपको ये सब्सक्राइब बटन नहीं दिख रहा है तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे टाइप कीजिए गवर्नमेंट सर्विस एस्पिरेशंस, ये हमारे चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम है। आप सर्च बटन दबाएंगे तभी आपको ये चैनल दिख जाएगा। आप वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, जिससे कि जो भी नई वीडियोज़ हम लोग अपलोड करेंगे वो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन बार में आ जाएगी, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी वीडियो। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इससे कि जो है आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ अलग अलग टॉपिक्स पर भी मिलेंगी, बैंकिंग अवेयरनेस, इंश्योरेंस अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस, मैथ्स, रीजनिंग, उसके बाद इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन की भी वीडियोस आपको मिलेंगी। इसलिए आप उसका भरपूर फायदा उठाइए, और क्योंकि ये वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इसके लिए आपके लिए कोई चार्ज नहीं है, इसलिए आप इससे बस नॉलेज लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम लेक्चर चालू करते हैं। इससे पहले कि मैं MCQs चालू करूँ, आज के एक छोटा सा टॉपिक पिछले लेक्चर का रह गया था वो मैं ले लेता हूँ, उसके बाद हमारी बैंकिंग हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। जो एक दो छोटे मोटे टॉपिक रह जाएंगे वो मैं बीच में लूंगा ही, इसलिए आप कॉन्टिन्यूअसली जो बैंकिंग अवेयरनेस के जो पार्ट्स हैं सबको फॉलो कीजिए, देखिए आपको एग्जाम में इससे और इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों सीधे। दोस्तों, मैं आपको जो है सेकंड नेशनलाइजेशन तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, और उसके बाद मैंने जॉइंट वेंचर्स लिए थे, वो आपने पिछले लेक्चर में देखे होंगे। दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराता हूँ कि देखिए, बैंकों का नेशनलाइजेशन 1969 में किया गया था फर्स्ट फेज। सेकंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन जो किया गया था वो किया गया था 1980 में। 14 बैंक को 1969 में यानी कि फर्स्ट नेशनलाइजेशन में नेशनलाइज किया गया, इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे। और 1980 के अंदर 6 और बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। दोस्तों, ये कारण इसलिए था क्योंकि जो है बैंक्स जो थे वो गरीब वर्ग को और आपके एग्रीकल्चरल सेक्टर को बिल्कुल लोन दे ही नहीं रहे थे। वो दरअसल बड़े बड़े लोगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट, इन सबको पैसा दे रहे थे, गरीब लोगों तक वो पैसा जा ही नहीं रहा था। और हमारी जो है एक एग्रेरियन इकोनॉमी थी, मैक्सिमम एग्रीकल्चर के ऊपर ही हमारी कंट्री बेस्ड थी, तो उनको लोन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ताकि वो नए मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर कर सके, न्यू मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर जो है टेक्निक्स अपने इसमें एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकें। उसके लिए उनको फंड्स की ज़रूरत थी जो कि बैंक दे सकती थी, पर वो बैंक नहीं दे रहे थे। इसीलिए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इस हिसाब से ही सोचा कि हमें एग्रीकल्चर को तो प्रमोट करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सारे बैंकों को गवर्नमेंट कंट्रोल में ले लेते हैं। यही मेन कारण था नेशनलाइज करने का। दोस्तों, पहले नेशनलाइजेशन के बाद भी जो है पैसा बांटा गया एग्रीकल्चरल सेक्टर को, पर लोग क्या करते थे कि पैसा चुकाते नहीं थे। देखिए, आप पैसा तो 100 रुपया दे रहे हैं पर आपको इंटरेस्ट उसके ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा है, और मेन जो आपने 100 रुपया दिया था वो भी पैसा नहीं आ रहा है वापस। तो इस तरह से क्या हो रहा था कि फंड डिप्लीट हो रहा था, पैसा जाया जा रहा था, पूरा जा रहा था, सारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो रहा था, कोई पैसा चुका नहीं रहा था। तो आप देखेंगे इससे क्या होगा कि आपका जो है बैंकिंग सिस्टम में जो है पैसा बिल्कुल बहुत ही कम हो गया था। और क्या है, नेशनलाइजेशन करे जा रहे थे और जो है पैसा लोन बांटे जा रहे थे पर कोई चुका नहीं रहा था। तो इस तरह से करते करते ये हालत हो गई कि बैंक भारत को जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक इन सब से काफ़ी पैसा मांगना पड़ता था, बार बार जाते थे, पैसा मांगते थे। तो क्या होता था, वर्ल्ड बैंक और ये IMF भी आपको पैसा दे देती थी। देखिए, IMF क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये क्या है, लोन तो देती थी इंडिया को पर वो कहती थी कि ठीक है चलो आप ले लो और ले लो। एक टाइम ऐसा आ गया जब IMF ने कहा जी अब हम तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप क्या है, आप अपना आप चुकाओगे कैसे, हम आपको लोन देते जा रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट को, इंडिया को देते जा रहे हैं, पर आप हमारे को रिपेमेंट कैसे करोगे जब आपको खुद ही रिपेमेंट नहीं आ रहा है। तो
IMF ने बोला ठीक है हम आपको और पैसा देने को तैयार हैं, पर आपको कंडीशन माननी पड़ेगी, कि आपको कंडीशन ये आपको फुलफिल करनी पड़ेगी कि आपको अपना जो भारतीय मार्केट है वो खोलना पड़ेगा। आप जो है टोटली सोशलिस्टिक हो, आप बाहर से किसी को आने नहीं दे रहे हो, कुछ कंपनीज खोलने नहीं दे रहे हो, तो आप कैसे चुकाओगे? आपको कंपटीशन लाना जरूरी है, आपको प्राइवेट सेक्टर को भी लाना पड़ेगा ताकि जो है कंपटीशन बढ़े, और जो है आपका जो एक मिक्स्ड इकोनॉमी आपको फॉलो करनी पड़ेगी, आपको इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा, आपको ग्लोबलाइज होना पड़ेगा, आपको जो है पूरी दुनिया के साथ जुड़ना पड़ेगा, आपको पूरी दुनिया के साथ ट्रेड और ट्रेड करना पड़ेगा ताकि आप अपनी इकोनॉमी खोलेंगे तो जो है आप जो है वर्ल्ड के साथ जुड़ जाएंगे और जो भी है बेनिफिट्स जो है ग्लोबलाइजेशन के वो आपको भी मिलेंगे। तो इंडिया ऐसा दरअसल करती क्यों नहीं थी दोस्तों? क्योंकि ये बहुत ही, आप जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, बाहर से ही होके आए थे और उन्होंने भारत पे जो है फिर कब्जा किया। इसी तरह भारतीय सरकार भी यही सोचती थी कि नहीं आए तो बाहर से आते हैं तो वो फिर हमारा बर्बाद ही करते हैं। तो ये जो चीज है ये सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम कर रही थी कि भारत जो है अपनी इस इकोनॉमी को खोलना नहीं चाहता था वर्ल्ड के लिए। तो बाद में जब ऐसी हालत हो गई 1990 में, तो ये हालत हो गई थी कि भारत के पास 15 दिन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी नहीं बचा था कि वो जो है अपने जो फुलफिल कर सके, अपने इंटरेस्ट देना, अपना लोन चुकाना जो गवर्नमेंट ने लिए थे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, इतना पैसा भी नहीं बचा था। मतलब तेल खरीदने के लिए कितनी सारी चीजें जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट को, वो सब भी करने के लिए नहीं पैसा बचा था। तो उस टाइम पे तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, उन्होंने कहा कि नहीं अब तो नहीं होगा, अब तो है जो है खोलना ही पड़ेगा इकोनॉमी को। तो उन्होंने क्या किया, 1991 में फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए एक कमिटी बनाई। उसका जो चेयरमैन थे वो कौन थे, एम नरसिम्हम। उनके अंडर ये फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की एक कमिटी बनवाई और बोला कि आप बताओ क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें जो है IMF कह रहा है कि जो है आप अपना मार्केट खोलो, ऐसे तो नहीं चलेगा, वरना हम आपको देंगे नहीं कुछ नहीं। तो उस टाइम जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव, और उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे दोस्तों, मनमोहन सिंह। तो इन सबकी उपज से एक नया मॉडल आया, जब ये इन्होंने भी 1991 में एम नरसिम्हम कमिटी ने भी एक अपनी रिपोर्ट सौंपी, उस रिपोर्ट का गठन कमिटी का गठन हुआ, तो सबने जो है एक ही चीज बोली, LPG। LPG दरअसल ये उपज मनमोहन सिंह जी की है, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उन्होंने कहा LPG मॉडल हमें अपनाना पड़ेगा अपने मार्केट में, तभी जो है हम जो है सबके साथ मूव कर सकते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ मूव कर सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया अपनी इकोनॉमी को खोल रही है वर्ल्ड के लिए, तो हम जो है आपस में पूरा अपने अंदर ही नहीं रह सकते, हमें भी जो है वर्ल्ड के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो ये चीजें आगे की, अब बहुत हो गया, अब तो खोलना ही पड़ेगा। ये जो लाइसेंस रास्ता कि आपको कोई भी कंपनी खोलने के लिए, कोई भी इंडस्ट्री खोलने के लिए गवर्नमेंट परमिशन चाहिए, इतना ज्यादा करप्शन होता था, तो ये सब खत्म करने के लिए जो है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स लाए गए। इसमें बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि बैंक जो है इकोनॉमी को मेंटेन करने में, आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। वो उन लोगों से पैसा ले लेती है जिनके पास ज्यादा पैसा है, और वो पैसा जो है वो उन सेक्टर्स को देती है जिनको पैसे की जरूरत है। तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो पैसा लेंड करेंगे तभी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेंगी, तो इससे क्या होगा, देश का जो है इनकम बढ़ेगा, देश जो है आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। अ कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एम नरसिम्हम वॉज सेटअप बाय GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एग्जामिन कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम एंड इट्स वेरियस कॉम्पोनेंट्स एंड टू मेक रिकमेंडेशन फॉर रिफॉर्मिंग एंड इम्प्रूविंग द कंट्रीज फाइनेंशियल सेक्टर। इट्स मेजर रिकमेंडेशन फॉर, उनकी मेजर रिकमेंडेशन उस फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की क्या थी उस कमिटी की, तो देखिए क्या थी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ 4-टायर हायरार्की फॉर द बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर को कहा गया कि 4 टायर में बांट दो, जिसमें क्या होगा, 4 से 5 आपके बड़े कमर्शियल बैंक होंगे जो कि इंटरनेशनली जो है आप उसको रिकग्नाइज करोगे, इंटरनेशनल लेवल के बैंक होंगे 4 से 5। 8 से 10 नेशनल बैंक होंगे जो नेशनल चीजें देखेंगे, नेशनल लेवल पे देखेंगे। स्मॉल बैंक कुछ खोलेंगे जो कि स्पेसिफिक रीजन्स के लिए खोले जाएं, और रूरल बैंक्स खोले जाएं जो कि रूरल एरियाज को जो है वो देखें। तो इतने सारे नेशनलाइज बैंक हो गए थे, तो नरसिम्हम कमेटी ने यही बोला कि आप जो है कंसोलिडेट कर दो। हालांकि आप जानते हैं अब मर्जर होने लगे हैं, 2017 में अभी बात चल रही है, अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ उसके एसोसिएट्स को जोड़ दिया गया, महिला बैंक को जोड़ दिया गया, अब जो है कंसोलिडेशन किया जा रहा है। पर देखिए उस आदमी ने उसी टाइम बोला था कि ऐसा कीजिए,
तो ये धीरे धीरे उनकी जो है रिकमेंडेशंस को माना गया, असल में करना ही पड़ा। क्यों? क्योंकि आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है, आपको दुनिया के हिसाब से चलना ही पड़ता है कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है। आप अलग होके नहीं रह सकते हैं, आपको खुद में अपने आप चेंजेस लाने पड़ेंगे, अपनी कंट्री की पॉलिसीज में चेंज लाना ही पड़ेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उनकी कुछ और रिकमेंडेशंस भी थी, एबॉलिशन ऑफ ब्रांच लाइसेंसिंग सिस्टम, ब्रांच को जो लाइसेंस करने का लाइसेंसिंग राज जो था ये भी खत्म करना था। प्राइवेट बैंक्स को, फॉरेन बैंक्स को आने की एंट्री देना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्होंने ये भी रेकमेंड किया कि आप प्राइवेट बैंक्स और फॉरेन बैंक्स को आने दो। SLR, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, ये भी आपको रिडक्शन करने को बोला। ये क्या होते हैं SLR और CRR, हम RBI के चैप्टर में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। और डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट जो है वो भी जो है उसको डी रेगुलेट करा जाए। पहले RBI बोलती थी कि हम बताएंगे कि इससे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रेट नहीं देना है कस्टमर्स को, ये भी डी रेगुलेट करने को बोला गया इस कमिटी के अंदर। तो ये सब चीज़ सारी चीज़ें थी दोस्तों। ऐसी हालत हो गई थी हमारे भारत की 90s में कि जो है इतना पैसा भी नहीं बचा था कि करेंसी को, हमारे इंडियन रुपी को डीवैल्यूएट करना पड़ा, डीवैल्यूएशन करना पड़ा। मतलब मान लीजिए पहले $1 जो है वो 20 रुपये के बराबर था, करेंसी को हमने इंडियन रुपी को डीवैल्यूएट किया, मतलब कि उसकी वैल्यू और घटा दी। मतलब अब जो है $1 जो है 40 रुपये के बराबर हो जाएगा, समझ गए? तो आप देखेंगे जो 20 रुपए में हम लोग $1 होता था, अब 40 रुपए का हो गया, अब तो 60-65-70 रुपए तक पहुंच गया है। ये इतना ज्यादा मतलब डीवैल्यूएशन हमें करना पड़ा। कब? जब 1991 में तो इतनी बुरी हालत हो गई थी, कुछ पैसा था नहीं, तो IMF ने बोला ठीक है ये लो लोन लो, पर आपको जो है अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट करना पड़ेगा, आपको जो है अपना मार्केट खोलना पड़ेगा, आपको फॉरेन प्लेयर्स और प्राइवेट सेक्टर को एंट्री देनी पड़ेगी, आपको मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करनी पड़ेगी, आपको बैंक्स के ऊपर चेक रखना पड़ेगा कि किसको लोन देना है किसको नहीं देना है। ये सब बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स जो है नरसिम्हम कमिटी ने माने और बोला भी उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में कि ऐसा करना पड़ेगा। तो नरसिम्हम कमिटी 1 जो है 1991 में आई थी, जो कि रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर के लिए दी गई थी। दूसरा नरसिम्हम कमिटी 2 दोबारा निकाली गई 1998 में, फिर से मिस्टर नरसिम्हम को बोला गया कि आप जो एक और दोबारा और बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स बताइए क्या करने चाहिए। तो उसने ये बोला, नरसिम्हम कमिटी 2 जो कि 1998 में आई थी, उन्होंने ये बोला ग्रेटर ऑटोनॉमी, मतलब ज्यादा पावर दीजिए आप PSU बैंक्स को कि वो अपने खुद डिसीजन मेकिंग कर सकें, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कम हो और वो खुद जो पब्लिक सेक्टर बैंक के हेड्स हैं वो खुद अपने आप हिसाब से जो है डिसीजन ले सके, ज्यादा उनको ऑटोनॉमी दी जाए। और देखिए क्या है कि पहले जो है RBI ने, पहले जो है SBI जो है वो RBI का ही कंट्रोल में था, तो SBI भी एक तरह का कमर्शियल बैंक ही है ना दोस्तों। तो फिर सब बाकी सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक बोलने लग गए कि आप हमको तो रेगुलेटर की तरह देख रहे हो, पर एक रेगुलेटर के पास कैसे किसी कमर्शियल बैंक का जो है शेयर हो सकता है? आप SBI की ओनरशिप छोड़ो, आप RBI को बोलो कि SBI जो है अपने उससे उसका कंट्रोल ले ले, अपना जो भी स्टेक, जो भी RBI का SBI के अंदर स्टेक है वो सारा बेच दे, और भी किसी बैंक में उसको बेच दे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। RBI एक रेगुलेटर है, उसके पास किसी का शेयर नहीं होना चाहिए, ये भी नरसिम्हम कमेटी ने बोला। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, दोस्तों ये आता है फुल फॉर्म ARC, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ये क्या होती है दोस्तों? जो बैड डेट्स होते हैं, बैड जो लोन्स होते हैं, जिनको हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो कि आजकल बैंकिंग सेक्टर बहुत बुरी तरह जूझ रहा है और इससे कोशिश कर रहा है कि इससे हम कैसे उभरें, तो इसी को NPS को ही बैड डेप्ट बोला जाता है। अगर एक आदमी 3 महीने तक लोन की किस्त नहीं चुका रहा है, 3 महीने हो गए और उसने अपनी EMI नहीं दी है, तो वो क्या कहला जाता है? वो किस में चला जाता है, किस कैटेगरी में चला जाता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट की, मतलब वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। आपने जो लोन दिया है उससे आपको रिटर्न वापस बैंक को नहीं मिल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे फिर? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो इन NPS को डील करने के लिए नरसिम्हम कमिटी 2 ने बोला कि आप जो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाओ और जो है बैड डेट्स को बोलो क्या करेंगी, टेक ओवर कर लेंगी और जो है उनको अच्छे से NPA को कम करने की कोशिश करेंगी। तो ये सारी रिकमेंडेशंस थी नरसिम्हम कमिटी 2 की, और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनी भी, जो बैंक जो है वो अब अपने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को अपने NPAs बेच देते हैं कि आप जो है आप देख लो, आप इतना पैसा जो हमने लोन दिया था आप मुझे इतना ही दे दो, पर बाकी आप निकलवा लो, ये लो हमने जो है अपना जो है लोन आपको बेच दिया है। तो वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज अपने हिसाब से वो जो है लोन को रिकवर करवाती हैं।
तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस थी नरसिम्हम कमिटी 1 और नरसिम्हम कमिटी 2 1991 एंड 1998 रिस्पेक्टिवली ये आई थी। तो दोस्तों अभी हम लोग कमिटीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे ही, हम लोग मालेगांव कमिटी, वाईएच मालेगांव कमेटी, नरसिम्हम कमेटी 1, नरसिम्हम कमेटी 2, बेसल कमेटी, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। अलग से हम कमिटीज़ का चैप्टर लेंगे तो हम उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने आपको हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बैंकिंग हिस्ट्री को खत्म करता हूँ। मैंने इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस बताए हैं जो आते ही आपको बोल के बताए। अब मैं आपके सामने एमसीक्यूज लूंगा, आप देखेंगे वो एमसीक्यूज जो है आपको किसी न किसी एग्जाम में टच होते ही हैं। आप देखिए एक बार पढ़िए इसको, आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा उसका मीनिंग भी जहां जहां मेरे को जरूरत लगेगी। बाकी आप लेक्चर्स को भी रेफर कर सकते हैं, आप देखेंगे अगर आपने लेक्चर्स अच्छे से पढ़े हैं तो वो आपको क्वेश्चन देखते ही आपके हो जाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप बैंकिंग अवेयरनेस अगर और भी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो मैं काम करता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको जो है कुछ दो तीन बुक्स के जो है मैं आपको लिंक्स दे देता हूँ, आप उस पर क्लिक करके आप उसको परचेज कर सकते हैं। इससे आपकी बैंकिंग अवेयरनेस थोड़ी और अच्छी हो जाएगी, आप डीप पढ़ सकेंगे और लेक्चर जो फॉलो कर रहे हैं उनको और भी आसानी होगी उन बुक से पढ़ने में। आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे, आपको उसमें थ्योरी भी मिलेगी, आपके इंटरव्यू के लिए भी वो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आप एक बार देख लीजिएगा, अगर आपको ठीक लगे तो आप ज़रूर ले सकते हैं। तो उसमें आपको एमसीक्यूज, आपको थ्योरी काफ़ी कुछ मिलेगा और आप इन लेक्चर्स को पढ़ने के बाद उससे पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, आपका माइंड और ज़्यादा खुलेगा उन सब चीज़ों को लेकर। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, इंस्टेंट रियल टाइम इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम इन इंडिया विच इज अवेलेबल 24/7 थ्रू आउट द ईयर इंक्लूडिंग ऑन बैंक हॉलीडेज। दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो होगा IMPS। अब IMPS क्यों है इसका आंसर, NEFT क्यों नहीं है, RTGS क्यों नहीं है? दोस्तों RTGS की फुल फॉर्म क्या होती है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, कई बार एग्जाम में आती है, ध्यान रखिए, कभी R का मतलब पूछ लेते हैं, कभी T का पूछ लेते हैं, तो ये जो है ध्यान रखिए। तो रियल टाइम RTGS भी होता है, पर आप जानते हैं RTGS और NEFT ये जो है बैंक हॉलीडेज के दिन काम नहीं करते हैं जो है आपको। और उसके अलावा आपका स्विफ्ट जो है, ये स्विफ्ट आंसर क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि स्विफ्ट जो है वो यहां क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, इन इंडिया, इंडिया के अंदर नहीं, ये इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपको इंटरनेशनल जो है ट्रांसफर करने हैं तो स्विफ्ट का यूज करते हैं। इट इज अ मैसेजिंग सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि इंटरनेशनल ट्रांसफर्स के लिए यूज होता है स्विफ्ट, ठीक है। तो RTGS NEFT नहीं होंगे क्योंकि ये 24/7 हमेशा अवेलेबल नहीं रहते हैं, बैंक हॉलीडेज पे नहीं रहते हैं, ये ध्यान रखिए। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, आप देखिए देखते हैं मोबाइल बैंकिंग आप यूज करते होंगे तो आप किसी भी दिन किसी भी समय 24/7 आप किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो किस थ्रू कर पाते हैं आप, IMPS के थ्रू, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। जैसे ही आपने पैसा ट्रांसफर किया उसी टाइम आदमी को जो है क्रेडिट मिल जाता है और वो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, तो वो IMPS कहलाता है, ध्यान रखिए, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये एग्जाम में IMPS की फुल फॉर्म भी आती है, स्विफ्ट की फुल फॉर्म भी आती है, RTGS की फुल फॉर्म भी आती है, NEFT की भी आती है, ये चीज ध्यान रखिए, ओके। अगला सवाल देखते हैं, प्रायर टू द नेशनलाइजेशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट बैंकिंग बिजनेस वॉज कंडक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश हुआ था दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 में, जो कि RBI एक्ट 1934 पास हुआ था, उसके पास होने के बाद ही 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बिजनेस अपना जो है कमेंसमेंट किया था, ठीक है। तो इससे पहले 1935 से पहले कौन देखता था गवर्नमेंट बिजनेस दोस्तों, बैंकिंग बिजनेस गवर्नमेंट का कौन देखता था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब आप बोलेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो नहीं दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब नाम हुआ था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, तीन प्रेसिडेंसी बैंक्स को जोड़कर 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे को जोड़ के 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, जिसको जो है 1955 1 जुलाई को इंपीरियल बैंक का नाम चेंज करके आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया। तो रिजर्व बैंक तो 1935 में आया था, तो उससे पहले जो गवर्नमेंट बिजनेस कौन देखता था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहेंगे, क्योंकि उस टाइम पे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसका नाम ही नहीं हुआ था ना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था 1921 में, तो जो है गवर्नमेंट बिजनेस कौन देखता था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों द फर्स्ट बी इन द एब्रीविएशन बीएसबीडी अकाउंट, बीएसबीडी मैंने आपको बताया भी था, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ध्यान रखिए बीएसबीडी बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट, आप देख सकते हैं लेक्चर में आपको इसके अच्छे से समझाया भी था मैंने। अगला आप देखेंगे स्विफ्ट प्रोवाइड्स अ नेटवर्क दैट एनेबल्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड वाइड टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस सिक्योरली, इट इज हेडक्वार्टर्ड एट। मैंने बताया था स्विफ्ट जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो हम लोग टेली कम्युनिकेशन करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन जो हम सेंड और रिसीव करते हैं इन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स, याद रखिए इन्फॉर्मेशन टेली कम्युनिकेशन जो हम लोग करते हैं वो जो है स्विफ्ट के द्वारा किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई आप पढ़ने ही जा रहे हैं, सपोज आप किसी ने एजुकेशन लोन लिया और वो पढ़ने जा रहा है यूएसए, तो जो है यूएसए के बैंक जो कॉलेज होगा यूएसए का उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, आपने स्टेट बैंक से लोन किया तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है आपका जो लोन अमाउंट या आपका जो भी टोटल फीस अमाउंट है वो आपको जो भी यूएसए के अंदर जो भी उस कॉलेज का बैंक होगा उसके पास भेजेगा। तो ये जो पहले मैसेज का ट्रांसमिशन होगा वो किसके थ्रू होगा, स्विफ्ट के थ्रू होगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल क्रॉस कंट्री है, आप इंडिया के अंदर ही नहीं कर रहे हो, इंडिया से बाहर कर रहे हो, तो स्विफ्ट का यूज होगा। ध्यान रखिए इसका हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों, बेल्जियम में, ध्यान रखिए लाहौल पे बेल्जियम, बेल्जियम में हुआ है स्विफ्ट का हेडक्वार्टर। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल पढ़ते हैं। अ नॉन रेसिडेंट रूपी अकाउंट, अ नॉन रेसिडेंट रूपी एनआरई, एनआरई की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल, ध्यान रखिए नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, याद रखिए नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रूपी अकाउंट, यानी एनआरई अकाउंट क्या होता है वो हम लेंगे, कैन कैन बी ओपन्ड बाय एनी पर्सन हु इज रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, जो भी एनआरआई हैं आपके जो आउटसाइड इंडिया रहते हैं वो अपने पावर ऑफ अटॉर्नी, एक अपने किसी एक जो कि कोई भी आदमी उनका अगर इंडिया में रह रहा है तो उसके साथ मिलके ये अकाउंट वो खोल सकते हैं, और जिसके साथ भी वो खोलेंगे जो कि रेसिडेंट इन इंडिया है, जो उनका रिश्तेदार या कोई भी जो है रिलेटिव जो है रेसिडेंट इन इंडिया है उसके साथ वो खोलते हैं मिलके, तो जो वो रिलेटिव होगा उनका हु ही इज एलिजिबल टू ऑपरेट द अकाउंट एज अ पावर ऑफ अटॉर्नी, मतलब जो पावर ऑफ अटॉर्नी है उस अकाउंट जो ओपन करने की वो उसको मिलती है। पर ये चीज ध्यान रखिए कि एनआरआई जो है एनआरआई जो होगा वही अकाउंट खोल सकता है, पावर ऑफ अटॉर्नी अकाउंट नहीं खोल सकता, एनआरआई को पहले ये कंफर्मेशन देनी पड़ेगी कि हाँ मुझे अकाउंट खोलना है, तो वो अपने रिलेटिव को साथ में लेके जो कि एज अ पावर ऑफ अटॉर्नी उसके अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है तो वो खोल सकते हैं फिर नॉन रेसिडेंट रूपी अकाउंट वो ऐसे नॉन रेसिडेंट्स, ठीक है एनआरआईस। तो ये चीज ध्यान रखिए कि एनआरई अकाउंट में इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैसिलिटी अटैच टू एनआरई अकाउंट्स, ऐसी कौन सी इसमें से है जो फैसिलिटी जो एनआरई अकाउंट्स को नहीं है। एनआरआईस कैन होल्ड एंड मेंटेन फॉरेन करेंसी अर्निंग्स इन इंडियन रुपीज, जो है बिल्कुल कर सकते हैं, ये इसमें फैसिलिटी मिलेगी। ऑल द फंड्स अलॉन्ग विद द एक्रूड इंटरेस्ट आर फ्रीली रिपैट्रिएबल, बराबर है जो भी आपका फंड्स है आप उसको दूसरी करेंसी में भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, रुपी से आपका डॉलर या जो भी आपका करेंसी होगा उस करेंसी में आप लेके जा सकते हैं। द इंटरेस्ट अर्नड इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, याद रखिए एनआरई अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट होगा दैट इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, ध्यान रखिए उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई वेल्थ टैक्स नहीं लगेगा, कोई गिफ्ट टैक्स नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, किस पे, एनआरई अकाउंट में, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में, ठीक है। केवाईसी नॉर्म्स आर नॉट एप्लीकेबल ऑन एनआरई अकाउंट्स, ये गलत है दोस्तों, यही आंसर हो जाएगा, केवाईसी तो चाहिए ही ना दोस्तों, आप जब तक केवाईसी नहीं अगर लोगे किसी एनआरआई की आप कैसे अकाउंट खोल सकते हो, आप कोई भी अकाउंट कैसे खोल सकते हो अगर आप केवाईसी नहीं लोगे, नो योर कस्टमर नॉर्म्स तो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, केवाईसी की फुल फॉर्म आती है दोस्तों नो योर कस्टमर, ध्यान रखिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी अकाउंट को खोलने के लिए। तो अगर कोई भी एनआरआई जो है एनआरई अकाउंट खोलना चाहता है तो उसको केवाईसी नॉर्म्स तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द लेटर एस डिनोट इन द टर्म आरटीजीएस, आरटीजीएस की फुल फॉर्म आप जानते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। हम ये भी जानते हैं रियल टाइम बेसिस पे जो है फंड ट्रांसफर होता है, आरबीआई इसको पूरा जो है आरबीआई के पास इसका सारा मामला जाता है। दूसरा मिनिमम 2 लाख आपका जो है आपको ट्रांसफर करना है, 2 लाख से कम पे आप फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते थ्रू आरटीजीएस, मिनिमम 2 लाख तो आपको फंड ट्रांसफर करना है आपको तभी आप आरटीजीएस का यूज कर सकते हैं, मिनिमम 2 लाख
और मैक्सिमम आप कितना भी, नो लिमिट, ठीक है। और NEFT में क्या होता था दोस्तों, कोई लिमिट नहीं होती थी, मिनिमम भी कोई लिमिट नहीं होती थी, आप 10 रुपए भी कर सकते हो और मैक्सिमम भी कोई लिमिट नहीं होती थी, ध्यान रखिए। पर NEFT में क्या था, बैचेज नहीं जाता था कि मान लीजिए कोई 10 बजे कस्टमर आया NEFT के लिए और कोई 11 बजे आया, तो उन दोनों का ही जो है एक ही साथ RBI को भेजा जाएगा बैंक के थ्रू। मान लीजिए एक SBI अकाउंट है, SBI बैंक है, उसके अंदर दो अकाउंट होल्डर है, दोनों को NEFT करनी है, एक 10 बजे आया और एक 12 बजे आया। और SBI जो है इन सबका एक पूरा एक बैच बना लेती कि पहले ये लो भाई, एक एक करके जितने भी आएंगे बार, मान लीजिए 2 बजे तक जितने भी आएंगे सबको जो है वो एक एक बैच बना लेगी और फिर वो RBI को भेजेगी। रियल टाइम में ऐसा नहीं होता, वो फॉरन कर देते हैं। तो ध्यान रखिए, RTGS के लिए मिनिमम आपको 2 लाख और मैक्सिमम आपका जो है नो लिमिट। NEFT के लिए मिनिमम कुछ भी लिमिट नहीं है, मैक्सिमम भी कोई लिमिट नहीं है। RTGS के अंदर रियल टाइम बेसिस पे फंड ट्रांसफर होता है, NEFT के अंदर क्या होता है दोस्तों, बैचेस में जो है आपको भेजा जाता है RBI के पास, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। तो S का क्या हो जाएगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। अगला सवाल बढ़ते हैं दोस्तों अगला सवाल बढ़ते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैड फर्स्ट मर्ज स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र विद इटसेल्फ इन विच ईयर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का मर्जर कब हुआ था दोस्तों, आपको ध्यान होगा 2008 में। 2008 के बाद अगले साल ही आप जानते होंगे स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का भी मर्ज कर दिया गया था। आपको मैंने पूरा बताया था मर्जर किस किस का कब कब कैसे हुआ, ध्यान रखिए। तो 2008 में जो है स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, जो कि एक एसोसिएट बैंक था, उसको स्टेट बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया, ठीक है। अगला सवाल पढ़े, स्मॉल अकाउंट कैन बी ओपन विद अ बैंक बाय एनी इंडिविजुअल अबव 18 ईयर्स ओल्ड हु डज नॉट हैव ऑफिशियली वैलिड KYC डॉक्यूमेंट्स। द टोटल क्रेडिट्स इन सच अकाउंट इन 1 ईयर शुड नॉट एक्सीड। मैंने आपको ये भी पढ़ाया था, BSBD जब पढ़ाया था तब आपने देखा होगा, स्मॉल अकाउंट, उसी टाइम पे मैंने टॉपिक लिया था स्मॉल अकाउंट्स, उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि जो है 1 महीने में 10,000 से ज्यादा आप जो है निकाल नहीं सकते और पूरे साल के अंदर जो है 1 लाख रुपए से ज्यादा आप क्रेडिट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे तरह के इसमें क्या है, KYC नहीं रहती ना दोस्तों, क्योंकि क्या आपने बैंक ऑफिशियल के सामने आप अपना फोटोग्राफ लगा दिया, आपने थंब इम्प्रेशन या सिग्नेचर कर दिए और उसके आपका अकाउंट खोल देते थे वो, तो उसके लिए क्या है, इसलिए कुछ कुछ इसके ऊपर ताकि उसका मिसयूज ना हो इसलिए इसमें लिमिट रख दी कि 1 लाख रुपए तक जो है आप इसमें क्रेडिट कर सकते हो, टोटल इन अ ईयर 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में 50,000 रुपए से ज्यादा उस अकाउंट में पैसे नहीं होने चाहिए, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, एग्जाम में आता है 1 लाख रुपए जो है टोटल क्रेडिट्स 1 साल में 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। RBI वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द हिल्टन यंग कमीशन एंड द बैंक कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन ऑन 1 अप्रैल इन, देखिए मैंने आपको बताया था RBI कब, RBI एक्ट 1934 में पास हुआ था, उस फिर जैसे ही पास हो गया तो अगले साल 1 अप्रैल 1935 में जो है आपका RBI ने अपना बिजनेस को कमेंस किया, अपना कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस RBI का कब स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 1935, बेस्ड ऑन द एक्ट पास्ड इन 1934, दैट इज RBI एक्ट 1934, ठीक है। तो बिजनेस कब चालू किया, 1935 1 अप्रैल को, ये चीज ध्यान रखिए। अगर पूछे कि किस एक्ट के थ्रू, तो RBI एक्ट 1934, कौन से एक्ट के थ्रू, तो 1934 के, और कब चालू किया, तो 1935 1 अप्रैल को, और किसके रिकमेंडेशंस पे किया गया दोस्तों, तो हिल्टन यंग कमीशन, ध्यान रखिए हिल्टन यंग कमीशन एग्जाम में बहुत आती है कि RBI जो है किसके बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन, किस कमिटी के जो है, किस कमीशन के बेसिस पे जो है इसकी रिकमेंडेशन से ही जो है RBI बना है, तो वो कौन सी है, हिल्टन यंग कमीशन। जानने के लिए मैं आपको बता दूं, डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने जो है काफी हद तक हिल्टन यंग कमीशन को रिपोर्ट सौंपी थी और बोलता था, बताया था कि देखिए आप इस तरह से कर सकते हैं, हमें ये चाहिए। तो B.R. अंबेडकर जी का इसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, काफी लोग ये चीज नहीं जानते होंगे शायद, तो मैंने आपको बता दिया, B.R. अंबेडकर जी ने काफी इसमें जो है हिल्टन यंग कमीशन को जो है काफी सारे इनपुट्स दिए थे जिससे कि RBI का असल में आखिरी में गठन हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें मिस्टर B.R. अंबेडकर का भी, डॉक्टर B.R. अंबेडकर, मिस्टर भी नहीं कहूंगा मैं कहूंगा डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने जो है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता हैं, जिनको हम लोग कहेंगे, जिन्होंने ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है तैयार किया, जिनको हम लोग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, डॉक्टर B.R. अंबेडकर। ये चीज मैंने आपको इसलिए बार बार बोली है, एग्जाम में आता है,
ध्यान रखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। उन्होंने ही ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया था। और आप ये भी, वो भारत रत्न भी हैं, आप ये भी जानते होंगे। और उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को भी काफ़ी सारी रिपोर्ट सौंपी, जिससे कि आरबीआई का गठन हुआ है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर होगा 1935। इन इंडिया द फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटीज मैनेज्ड बाय इंडियंस एंड फाउंडेड इन 1881 वॉज, देखिए आप जानते हैं ये पहला ऐसा बैंक था जिसका जिसका गठन 1881 में हुआ था। और ये इंटायर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो इंडियन थे, कोई भी बाहर का आदमी नहीं था, सारे इंडियन थे। तो कौन सा कमर्शियल बैंक था? अवध कमर्शियल बैंक, जो कि 1881 में बना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी बैंक्स वर फर्स्ट नेशनलाइज्ड? पहला नेशनलाइजेशन 1969 में हुआ था दोस्तों। और कितने बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था? 14 बैंकों को किया गया था। कौन थी प्राइम मिनिस्टर? मिसेज इंदिरा गांधी। ध्यान रखिए, उनको प्रियदर्शिनी भी बोला जाता है, इंदिरा गांधी जी को, ठीक है। व्हेन वाज द सेकंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन? 1969 में पहला फेज हुआ था नेशनलाइजेशन का। सेकंड फेज जो है आपका 15 अप्रैल 1980, 1980 में आपका जो है सेकंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन हुआ था, जिसके अंदर की 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी बैंक्स वर इन सेकंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन? तो 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था। सेकंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन के दौरान कौन थे प्रधानमंत्री? तो प्रियदर्शिनी मिसेज इंदिरा गांधी ही जो है उस टाइम पे भी प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए दोस्तों। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? प्रेजेंट हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? मुंबई, मुंबई में जो है प्रेजेंट हेडक्वार्टर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। दूसरा सवाल देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार आता है। आरबीआई का हेडक्वार्टर भी आता है, ये भी आता है, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं आपको देखेंगे किसी न किसी एग्जाम में। अ शेड्यूल्ड बैंक इज वन विच इज इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन। बहुत सारे लोग इसको फर्स्ट ऑप्शन मार देते हैं, जो कि गलत है। इसका आंसर सी है। शेड्यूल्ड बैंक वो बैंक है जो कि सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई के अंदर, जो आरबीआई एक्ट है उसके सेकेंड शेड्यूल में जिसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वही शेड्यूल्ड बैंक कहलाते हैं। शेड्यूल्ड बैंक के अंदर जो कैपिटल एंड रिजर्व है, वो बैंक जिनके कैपिटल एंड रिजर्व जो है, पेड अप कैपिटल जो है और रिजर्व मिला के 5 लाख से ऊपर है, वही शेड्यूल्ड बैंक कहलाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, सेकंड, तो ये जो शेड्यूल्ड बैंक की डेफिनेशन है वो किस में है? सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट में है। ध्यान रखिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में नहीं है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में नहीं है, किस में है? सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट में। अगला पढ़े, व्हाट इज द एनिमल ऑफ द इनसिग्निया ऑफ द इन, दोस्तों सवाल पढ़िए, थोड़ा बोलने में गलत हुआ। व्हाट इज द एनिमल ऑफ द इन साइन ऑफ दी, वॉट इज, विच इज द एनिमल इन साइन ऑफ दी आरबीआई, आप लेना चाहिए हमको। विच इज द एनिमल, मैं यहाँ काट के लिख देता हूँ, विच, विच इज द एनिमल इन द साइन ऑफ दी आरबीआई, ठीक है, क्वेश्चन गलत हुआ, माफ कीजिएगा। विच इज द एनिमल इन द साइन ऑफ आरबीआई, तो इसका आंसर होगा, बहुत बार गलती हुई है दोस्तों, तो एक बार आप इसको नजरअंदाज कीजिए। विच इज द एनिमल इन द साइन ऑफ आरबीआई, तो इसका आंसर जाएगा दोस्तों, क्या जाएगा? टाइगर। आपने देखा होगा आरबीआई का सील, सील देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा एक ट्री बना हुआ है और एक एनिमल खड़ा हुआ है, तो वो एनिमल क्या है दोस्तों? टाइगर है। लायन पहले कहा गया था कि लायन लेंगे, पर लायन को बाद में हटा के बोला नहीं, लायन नहीं चाहिए हमें, टाइगर लेना है, तो टाइगर लिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का लेक्चर मैं यहीं खत्म करूंगा दोस्तों, आज का लेक्चर मैं यही खत्म करता हूँ। और आपसे फिर से मैं गुजारिश करता हूँ, जो ये लेक्चर देख रहे हैं, अगला लेक्चर भी हमारा एमसीक्यूज का होगा, उसके बाद हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लेंगे, पूरा 2-3 लेक्चर लेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो जो ये चैनल पहली बार देख रहे हैं वो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो बुक्स के लिंक दे रहा हूँ, आप एक बार वो भी एक बार देख लें, उससे आपको हेल्प जरूर मिलेगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में।